यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो गाइस आज काफी दिन बाद हमने स्टार्ट किया है एक रैंक सर्वर और वो भी डुओ। तो डुओ में खेलने वाला है अपने साथ एनके भाई। काफी दिन से रैंपेज सर्वर ब्लडी सर्वर खेलते ही खेलते उसका आदत पड़ चुका है और अभी रैंक पे आके थोड़ा बहुत अजीब सा ही लग रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे जो फार्म वगैरह मिलता है ये काफी ज्यादा कम मिलता है। तो अभी हमें यहाँ से भाई काफी ज्यादा मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी फार्म करने के लिए। फिलहाल अभी तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ बॉम्ब शेल्टर के इधर और एनके भाई स्पॉन हो चुके हैं स्नो वाली साइड। तो हम तो अपना बेस बनाने वाले भाई ट्रायल आइलैंड की उधर ताकि हमें ट्रायल आइलैंड का लूट भाई मिलता रहे। ट्रायल आइलैंड से यार काफी अच्छा खासा लूट मिल जाता है जिसके कारण हमने उसी तरफ बेस बनाने के सोचा। वैसे तो अभी तक हमने अपना बेस नहीं बनाया है तो हमने सोचा यार क्यों ना यहीं से हम फार्म करते करते जहां पे हम अपना बेस बनाएंगे वहीं पे जाए। तो मैंने इधर भाई वुड वगैरह फार्म करना स्टार्ट कर दिया, उधर एनके भाई भी फार्म वगैरह कर रहे हैं। अभी मैंने एक वुडन क्लास क्राफ्टिंग पे डाल दिया है क्योंकि मुझे रोड का ड्रम वगैरह भी कट करना है, इससे हमें स्पेयर वगैरह भी मिल जाएगा। स्पेयर भी तो हमें चाहिए अपना वर्क बेंच का अपडेट करने के लिए, साथ ही साथ रेसिपी वगैरह भी मिल जाएगा अगर शुरू में ही वेपन स्टोरेज लास्ट स्टोरेज का रेसिपी मिल जाए तो बढ़िया होगा। और वैसे भी सर्वर पे हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 12 दिन की ही बस सर्वर था तो हमें भाई जल्द से जल्द गन वगैरह ढूंढना पड़ेगा। लगभग तो अभी सारे के बंदे के पास ही गन वगैरह आ चुका होगा मेरे ख्याल से, तो बंदा अब तक AR लेके भी घूम रहा होगा और अपने पास अभी कुछ भी नहीं है, पिस्तौल तक नहीं है। ओ भाई सामने अभी जस्ट एक बॉट स्पॉन हुआ है, तो चलो अभी मैं सबसे पहले इस बॉट को ही मार देता हूँ। भाई SMG दे देना। ओ भाई बॉट ने मैचेट ही दे दिया यार, चलो बढ़िया है। अभी मैं मैचेट से इजीली ड्रम वगैरह को कट कर पाऊंगा, एक कट से ही मतलब एक हिट से ही सारा ड्रम टूट जाएगा था। और भाई स्टीलेक्स भी मिल गया, चलो बढ़िया है, स्टीलेक्स से मैं फार्म भी करते करते चला जाऊंगा। शुरुआत तो देखो यार अपना काफी अच्छा हुआ और इधर शिप भी आया तो एनके भाई ने बोला भाई मैं शिप पे जाता हूँ ट्राई करते हैं शिप लूटने के लिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता लूट पाएंगे क्योंकि भाई सारे बंदे के पास ही गन अभी तो आ चुका होगा और अपने पास तो अभी कुछ भी नहीं है, अपना बेस तक नहीं है अभी। बट फिर भी यार शिप आया है तो अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं, तो एक बार जाना चाहिए अगर पास में आया हो तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई शिप पे कोई बंदा ही नहीं आता, पूरा शिप ही खाली रहता है, तो तभी यार जाने से अगर जो भी बंदा जाएगा इजिली शिप लूट के आ जाएगा वो। फिलहाल अभी हम रोड वगैरह फार्म करते करते चलते हैं अपने मंजिल पे यानी कि अपने बेस की लोकेशन पे। ऐसे मुझे थोड़ा बहुत फ्यूल भी मिल जाता है, वैसे हमें फ्यूल भी तो चाहिए यार फर्नेस वगैरह बनाने के लिए, तो फ्यूल तो शायद इनके भाई ले आएगा उधर से। और यहाँ पे एक बॉट आ जाता है, चलो बॉट को भी मैंने मार दिया है, बॉट से भी अच्छा खासा सामान मिल जाता है हमें। तो अभी ये दोनों ड्रम को भी मैं कट कर लेता हूँ। ऐसे हमें डाइविंग सूट मिलता है, वैसे डाइविंग सूट उतना भी महंगी चीज नहीं होता है, हर टाइम भाई मिलता रहता है। और यहाँ पे इनके भाई मर जाता है, मेरे ख्याल से शिप पे गया था, उसके बाद भाई वहाँ पे कोई बंदा आके गन से ही मार दिया। ओ भाई यहाँ पे भी बंदा आके गाइस मार दिया मुझे, भाई इनके भाई मर गया तो मुझे भी मारना पड़ा भाई, पता नहीं किधर से आके मार दिया फार्म हाउस से पूरा। चलो मेरा मैचेट गिर गया और एक रेसिपी गिर गया और थोड़ा बहुत फार्म गिर गया यार, स्पेयर तो नहीं गिरता वैसे। और अभी मैं स्पॉन हो चुका हूँ डेजर्ट एरिया पे, तो अभी हम भाई वुड वगैरह फार्म करते करते ही चलते हैं अपने बेस में ताकि यार अपने बेस को बनाने के लिए तो वुड वगैरह भी चाहिए होगा ना, और साथ ही साथ मैं स्टोन एंड आयरन वगैरह भी फार्म कर लूंगा ताकि हम जल्द से जल्द बेस को बना के ही स्टोन पे अपग्रेड कर पाए। और इनके भाई अभी रोड फार्म करते करते आ रहे हैं और साथ में उनको थोड़ा सा फ्यूल वगैरह भी मिल चुका है, फिलहाल उसी फ्यूल से हम कोई फर्नेस वगैरह बना लेंगे। सर्वर पे यार सबके पास ही गन अभी आ चुका है तो हमें जल्दी से जल्दी गन वगैरह ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ ट्रायल आइलैंड की ऑपोजिट साइड यानी कि ट्रायल आइलैंड के पास में जो जगह पड़ती है वहाँ पे, और यहाँ पे एक बेस है छोटा सा जो कि रेड हो रखा है। चलो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ से कोई लूट वगैरह मिल जाए। तो यहाँ से हमें वाटर बॉटल मिलता है, वैसे मेरे पास तो वाटर बॉटल पहले से ही था। और यहाँ पे क्या है भाई इसमें, इसके अंदर भाई कुछ भी नहीं है, ये एक पता नहीं कोई एक पोशन टाइप का है कुछ, वो तो शायद मेरे ख्याल से फैटी को मारने से मिलता है। और इसके अंदर क्या रखा है भाई पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, बट मुझे नहीं लगता कोई बढ़िया चीज़ होने वाला है क्योंकि बेस ही भाई घटिया है तो चीज़ भी घटिया ही होगा। फिलहाल अभी हम चल के सबसे पहले अपना मेन 2x2 का, मेन नहीं स्टार्टिंग 2x2 का बेस बनाते हैं जो कि मिशन के लिए होता है, उससे भाई हमें कैबिनेट भी फ्री में मिल जाएगा, साथ में अपना स्लीपिंग बैग भी फ्री पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और बेस है गाइस, हमने सोचा था यार हम अपना बेस को यहाँ पे बनाएंगे बट यहाँ पे तो पहले से ही बेस एक बनाए रखा है भाई, इस बेस की वजह से यार अपना बेस अभी ठीक से नहीं बन पाएगा। बट ये बेस रेड हो रखा है और भाई बेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, वैसे उतना भी अच्छा नहीं है बट इसका कैबिनेट काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, स्किन वगैरह
लगा हुआ है, चेस्ट के अंदर देखते भाई क्या है। ओके तो इसके अंदर भाई एक मुंडी है, हिरन का सर है बस, और सारा चेस्ट भाई बिल्कुल खाली, पूरी बेस में बस एक ही चीज पर आए जो कि है हिरन का सर। बट यहाँ पे एक स्लीपिंग बैग भी, और गाइस यहाँ पे फर्नेस है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे पास थोड़ा सा आयरन वगैरह है, मैं अपने आयरन को यहीं पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देता हूँ, अगर कोई बंदा आ जाएगा तो उठा के तो ले जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी ज़्यादा आयरन नहीं है आपके पास, थोड़ा सा है, मैंने यहाँ पे मेल्ट होने के लिए डाल दिया, इससे आप अपने डोर लॉक वगैरह बना पाएंगे। और हम अपने बेस को तो बनाने वाले हैं इसी के पास में, नीचे चल के बनाते हैं अपना छोटा सा बेस बनाते हैं। हुड वगैरह तो यार मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा हुड है, इससे तो एक बड़ा सा ही बेस बन जाएगा, तो मैं सबसे पहले छोटा ही बेस बना लेता हूँ, इससे अपना मिशन हो जाएगा। तो सामने एक स्टोन है, इस स्टोन को भी मैं कट कर लेता हूँ, स्टोन से हमें अपने बेस को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके तो ये जगह बिल्कुल सही लग रहा है अपने 2x2 का बेस को बनाने के लिए, तो मैं ना अपने बेस को एकदम पानी से चिपकते हुए बनाने वाला हूँ, ताकि वही अच्छा दिखे देखने में, अगर पानी के पास में कोई बेस वगैरह हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है वैसे देखने में। और एंड के भाई आके अपना मेन बेस बना लेंगे, तो सबसे पहले तो मैं अपना मिशन कर लेता हूँ यहाँ से। तो भाई इधर मैं एक वॉल लगा देता हूँ, और यहाँ पे अपना सिंगल डोर लगा देते हैं, तभी अपना मिशन होगा। तो अभी सीलिंग भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद कंप्लीट होगा अपना मिशन। तो ये एक और सीलिंग था, इसको भी मैंने लगा दिया। ओके तो अभी हमें मिल चुका है एक स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग को प्लेस करते उसके बाद हमें शायद कैबिनेट मिल जाएगा। तो भाई इधर को मैं अपना स्लीपिंग बैग प्लेस कर देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से प्लेस करते। तो अभी हमें मिल चुका है एक कैबिनेट, तो कैबिनेट को भी मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे भाई, बिल्कुल कोने पर लगा देते हैं, और ये लग गया अपना कैबिनेट। और अपना कैबिनेट का स्किन भी वैसे उतना भी खास नहीं है, तो अभी मैं इसमें कुछ मेंटेनेंस डाल देता हूँ, इससे हमें मिल जाएगा डोर लॉक। डोर लॉक को भी मैं लगा देता हूँ, डोर लॉक को लगाने के बाद देखते हैं क्या मिलता है, मेरे ख्याल से वर्कबेंच मिलता है, तो भाई कौन सा कोड रखे वैसे। ओके तो अभी मैंने अपना पासवर्ड सोचने में भाई 2 घंटा लगा दिया, ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अभी यार अपने वर्कबेंच को इस साइड पे मैं प्लेस करता हूँ, उसके बाद इनके भाई आके इसको अपग्रेड कर देंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेयर नहीं है, उनके पास शायद स्पेयर इतना तो हो ही जाएगा कि हम अपने वर्कबेंच को अपग्रेड कर पाए। और मेरे पास तो रेसिपी वगैरह नहीं है लास्ट स्टोरेज की, अभी के लिए हमें वुडन स्टोरेज वगैरह ही लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डोर लॉक और कैबिनेट पे लगा देता हूँ। अभी चल के मैं सबसे पहले अपने आयरन को लाता हूँ, जो आयरन हमने दूसरे के बेस में मेल्ट होने के लिए रख दिया था अपने पड़ोसी के बेस में, तो देखते हैं अपना आयरन अभी भी है या फिर नहीं। ओके तो अपना आयरन भाई अभी भी मेल्ट हो रहा है, तो अभी मैं सारे के सारे आयरन निकाल लेता हूँ, कहीं यार ज़्यादा देर तक रखने से पता चलेगा कि भाई कोई दूसरा बंदा आके निकाल के ले जाए, इससे अच्छा मैं ले ही जाऊँ सारा आयरन। जितना आयरन मेल्ट हुआ है इतने में अपना डोर लॉक वगैरह तो बन जाएगा। गाइस आपने बेस के आसपास देखो यार, काफ़ी सारे बड़े बड़े बेस बना हुआ है, तो उनमें से ये है एक बेस, देखो काफ़ी अच्छा खासा इधर एक बेस बना हुआ है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा ही करके रखा है बंदे ने, यहाँ पे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी किया है बंदे ने, कुछ उगाया है जो कि ऑपरेशन बेस में हम उगा सकते हैं, फूल वगैरह वो अभी शायद सर्वर में भी कर सकते हैं, पता नहीं इससे क्या होता है, यहाँ पे भी हमें स्पेयर वगैरह मिलेगा भी या नहीं ये सब तो मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह भी बना के रखे है बंदे ने बेस को सजाने के लिए। फिलहाल अभी एनके भाई भी बेस में आ चुका है, और आके ही इन्होंने भाई यहाँ पे वुडन स्टोरेज वगैरह लगा दिया है, तो स्किन तो काफ़ी अच्छा खासा ही है वुडन स्टोरेज का भी। और यहाँ पे यार एनके भाई ने बेस के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए ट्रायंगल बेजल वगैरह लगा के वॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, बट इस साइड पे कुछ भी लग नहीं पा रहा है, मतलब बेजल नहीं लग रहा है पानी की वजह से। तो यार अभी अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तब तो फिर अपना बेस काफ़ी जल्दी रेड हो जाएगा, तो हमें ये इस बेस को तोड़ के यार दूसरी साइड पे छोटा सा एक बेस बना लेना पड़ेगा। वैसे 2x2 का ही हम बनाएंगे, बस साइड हम प्रोटेक्शन के लिए ट्रायंगल बेजल लगा के बस प्रोटेक्शन दे देंगे और कुछ नहीं। तो हम तो अपना बेस यहीं पे बनाने वाले, अगर ज़्यादा दूर जाके बनाएंगे तब तो फिर ट्रायल एंड हमसे दूर चला जाएगा। तो इनके भाई सामने ही अपना बेस बना रहा है 2x2 का। फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप का मैं आपका भाई काम बता देता हूँ, इसमें आप पे जितने भी घर वगैरह है ना, सारी की सारी घर की गंदगी इस पाइप से निकल के नदी में चली जाती है। फिलहाल अभी देखो हमने काफ़ी बड़ा सा एक बेस बना लिया है 2x2 का, भाई इतना बड़ा बेस क्या ही बताए। फिलहाल कैबिनेट नहीं है अभी भी बेस में, तो कैबिनेट मेरे ख्याल से लगा रहा है इनके भाई, बट उससे पहले मेरे ख्याल से स्लीपिंग बैग लगाएंगे ये। ओके तो इन्होंने तो इनका स्लीपिंग बैग लगा दिया है, और अभी मेरे ख्याल से ये लगाएगा कैबिनेट। अभी मैं अपने पुराने वाले बेस से जितने भी सामान वगैरह है सारा सामान शिफ्ट करने लग जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा वुडन स्टोरेज का ही मूव करके ले चलता हूँ, इससे भाई शायद जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो भाई अपना बेस तो ज़्यादा दूर पे नहीं है, देखो अपने सामने ही है, पहुँच जाएंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो ओके अभी हम पहुँच चुके हैं, तो भाई अभी मैं ऊपर कैसे जाऊँ यार, और स्टोरेज को भी मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ पे,
भाई गेट खोल दो इनके भाई, जल्दी खोल दो। ओके, तो इनके भाई ने गेट खोल दिया। अभी मुझे सबसे पहले स्टोरेज रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज हमने रख दिया बस ऐसे ही। और मैं ना साइड पे ऐसे ट्रायंगल बेजल लगा देता हूँ, वैसे तो बेजल तो लगाना ही पड़ेगा, और मैंने अभी के लिए इसीलिए लगाया ताकि मैं आके सबसे पहले बेजल के ऊपर मैं अपने स्टोरेज को रख पाऊँ, उसके बाद मूव करके घर के अंदर ले जाऊँ। ऑल राइट, तो अभी फाइनली मैंने सारा का सारा सामान शिफ्ट कर दिया अपने नए वाले बेस में, और अभी मैं इसमें एक स्लीपिंग बैग भी लगा दिया हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा स्लीपिंग बैग ही नहीं था इस बेस में, मेरी पुराने वाले बेस में तो था। तो अपने कैबिनेट पे मैं अपना पासवर्ड ला के भाई अनलॉक कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस के लिए सामान भी डाल देता हूँ। वैसे जितने भी सामान कैबिनेट पे हम रख पाते हैं सारे सामान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। स्पेयर भी अपने पास 400 स्पेयर है, इतने में से तो हम अपने वर्क बेंच को इजीली अपग्रेड कर लेंगे। तो मैं ना इसे लगे हाथ ही अपग्रेड कर लेता हूँ भाई, सेकेंड लेवल तक ही अपग्रेड हो पाएगा फिलहाल, क्योंकि इसको थर्ड लेवल पे अपग्रेड करने के लिए हमें 1000 स्पेयर और चाहिए होगा, और 1000 स्पेयर भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा 1000 स्पेयर लाने के लिए। ओके, तो अभी देखो एनके भाई ने अपना बेस भाई क्या ही बनाया, पूरा मंदिर जैसा लग रहा है, वैसे बढ़िया है। चलो अभी यहाँ पे हम लगाने वाले हाफ रूफी, तो ये रूफी तो भाई हवा में लगने जा रहा है, और कभी कभी तो लगता ही नहीं है, देखो भाई हवा पे लग जाता है कभी कभी भाई। इस रूफी पूरा पागल रूफी है, पता नहीं क्या सा सीन हो रखा है इसका, और इनके भाई पता नहीं इसको कैसे लगा रहे हैं भाई, मेरे से तो नहीं लग रहा है, मेरे से कभी भाई हवा पे लग रहा है तो कभी उल्टी साइड लग रहा है। लग जाए यहाँ पे, ओके। ओ भाई गाइस देखो ये कहाँ पे लग गया यार, हवा पे लग गया पूरा। ओ भाई ये तो भाई अजीब है भाई, चलो इसे तोड़ ही देते हैं। ओ भाई चलो वहाँ पे भी लग गया था, हवा पे भी था, बट हवा वाला हमने तोड़ दिया, हवा पे रहने से भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से पता नहीं बैंड वैन ना कर दे अपने आईडी को। सामने पे देखो यार लगा दिया है एक बड़ा सा रूफी, तो भाई बेस तो यार काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बन चुका है अभी, बट चलो ठीक है यार, अजीब बेस ही अच्छा लगता है वैसे देखने में। फिलहाल अभी मैं कैबिनेट से कुछ स्टोन वगैरह निकाल के अपने बेस को अपग्रेड कर देते हैं स्टोन पे भाई, जितना हो सके उतना बेस अपग्रेड कर देते हैं, बाकी बेस पूरा बाद में कर देंगे हम। वैसे मेन सेक्शन तो अपना हो जाएगा इजीली, जो कि है 2x2 का। वैसे 2x2 का करने में भला कितना स्टोन चाहिए होगा भाई, बस थोड़ा सा ही चाहिए होगा। चलो ये हो भी गया भाई पूरा बेस, अभी बस दो सीलिंग बाकी है और एक डोर बाकी है, चलो मैं इस डोर को भी अपग्रेड कर देता हूँ। तो गाइस यार अभी आ चुके हैं अपने सर्वर में भूत, यानी कि अपने बेस के अंदर भूत आ चुका है, क्योंकि यार एनके भाई ने 40 फ्यूल लाया था अपने बेस में, और अभी अपने बेस में बस फ्यूल बचा है भाई 8 फ्यूल भाई, सारा फ्यूल बिल्कुल गायब ही हो गया, भूत ने अपना फ्यूल भाई चुरा लिया है, पता नहीं यार फ्यूल अपना कहाँ पे गायब हो गया। फिलहाल अपने पास बस आरटी फ्यूल बचा है और क्रूड ऑयल बचा है, तो क्रूड को हम रिफाइन करके वहाँ से तो हमें अच्छा खासा फ्यूल मिल जाएगा। तो अभी मैंने अपने बेस से 8 फ्यूल भी उठा लिए, अपने पास बस आरटी फ्यूल छोड़ के भाई सारा फ्यूल भूत ने गायब ही कर दिया। फिलहाल ठीक है मजाक कर रहा हूँ, बट फ्यूल आया था अभी गायब हो चुका है। फिलहाल अभी मैंने फ्यूल इसीलिए उठाया क्योंकि अभी हमें जाना है मिलिट्री बेस, हाँ मिलिट्री बेस जाएंगे, वहाँ पे क्रूड भी कर लेंगे, और साथ ही साथ रूम वगैरह होगा तो रूम भी लूट लेंगे। तो एनके भाई ऑलरेडी भाई काफ़ी दूर जा चुका है, अभी हम भी चलते हैं दौड़ते हुए, उसके बाद बोट मिलेगा तो भाई बोट से जाएंगे, 8 फ्यूल से ही भाई जितना दूर जा पाएंगे जाएंगे, उसके बाद बाकी रास्ता तैर के ही सफ़र कर लेंगे। अभी यार हमें फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम 30 फ्यूल तो हमें चाहिए ही होगा, क्योंकि हमें बनाना है यार अपना फर्नेस, अगर फर्नेस नहीं बनेगा तो हमसे कुछ भी नहीं बनने वाला है अभी। बट यार 30 फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कम बोल दिया, एक फर्नेस से भला क्या ही हो जाएगा। एक फर्नेस बनाने के लिए तो हम ऐसे ही बना सकते हैं क्लोथ वगैरह इकट्ठे करके, क्लोथ एंड जो एनिमल फैट होता है इससे फ्यूल बन जाता है, इससे ईजिली बन जाता है 30 फ्यूल, बट हमें भाई काफ़ी सारा फ्यूल चाहिए होगा क्योंकि एक फर्नेस से कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, तो हमने यार बोर्ड ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश वगैरह किया, लेकिन हमें बोर्ड भाई बिल्कुल भी नहीं मिला है, तो अभी हमें यार तैयार जाना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने पास आर्मर भी नहीं है, और यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह भी आके तंग करेगा, आपको तो पता ही है पानी के अंदर चुड़ैल वगैरह होता है, तो वो सब तो यार अपना पीछे पड़ेगा ही। ओ भाई पीछे से कोई सेमी ऑटो राइफल चला रहा है मेरे ऊपर, ये तो भाई अभी हमें नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी भाई, किधर है बंदा यार अभी। ओ भाई नॉक भी कर दिया यार, आजकल तो पानी के अंदर भी शांति बिल्कुल भी नहीं है, और पानी के अंदर भी बंदे गन वगैरह लेके आ जाते हैं मारने के लिए भाई, क्या ही बताए। और बट पानी के अंदर वैसे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ती है, एक दो का ही बस डैमेज पड़ती है, बट इसने मुझे मार दिया है अभी। ओके, तो बड़ी बात यह है कि मेरे पास सामान वगैरह जो था वो नहीं गिरा है, बस थोड़ा सा उड़ गिरा है, और स्टोन एक जो कि हमें फ्री में मिलता ही है, और इनके भाई को तो अभी भी उस बंदे ने नहीं मारा है, बट मुझे नहीं लगता कि छोड़ने वाला है।
फिलहाल अभी मैं अपने बेस में स्पॉन होने के बाद भाई बाहर आके देखता हूँ, बाहर स्पॉन हो चुका है एक बोर्ड। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना बोर्ड लेके चलते हैं एनके भाई के पास, उसके बाद एनके भाई को बचा के ले आते और उसके बाद देखो भाई क्या होता है। मैं बस बोर्ड के पास आता हूँ और देखते हैं भाई, अपने पास फ्यूल ही नहीं है भाई, बोर्ड कैसे चलेगा अभी। और लो एनके भाई भी अभी मर चुका है, उनके पास थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल है, बस क्रूड ऑयल ना गिर जाए यार। क्रूड ऑयल गिर गया तो अभी हम फर्नेस वगैरह नहीं बना पाएंगे। तो भाई क्रूड ऑयल तो नहीं गिरा था, बट यार अभी बहुत मुश्किल से बस अपने पास एक ही फर्नेस आ पाया है। एनके भाई ने यार काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए, बट वो जहाँ पे भी जा रहा था वहाँ पे बंदे आ जा रहा था और भाई और क्या था, मार दिया था। तो अभी इनके भाई भी ऑफलाइन जा चुके बहुत मुश्किल से एक फर्नेस बना के, तो अभी तो हमें एक फर्नेस से ही काम चलाना पड़ेगा, बाद में यार हम फर्नेस वगैरह बना लेंगे। क्रूड ऑयल तो देखो अपने पास है बट रिफाइन हम नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं हम बाद में रिफाइन कर लेंगे। सो ओके गाइस यार आज के वीडियो पे इतना ही था, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।